हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। आज मैं 31 जुलाई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ, जिसमें डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। तो 5 राफेल फाइटर जेट्स, जिसकी पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया? तो ये अम्बाला एयरबेस में आया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राफेल विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदे हैं। राफेल विमान को दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्बाला एयरबेस हरियाणा राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। अन्य सेना प्रमुखों के नाम देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं। उप सेना प्रमुख SK सैनी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के बिपिन रावत हैं। नौसेना नेवी के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसे बोलते हैं, उसके अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF के ने माने जैसे अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल जिसे SSB बोलते हैं, उसके माने जैसे कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने की है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाइगर सेंसर रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 70% बाघ भारत में हैं और 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे और इनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जिरकॉन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकेगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। संसद का नाम सभी का याद करके जाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UBA IIT दिल्ली और बिजना भारती ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये CSIR पे किए। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1942 को हुई। डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो ये अनिल कुमार झा नियुक्त हुए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख देते हैं। ग्रीन पैनल कंपनी लकड़ी के पैनल बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज पर UN के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो ये अर्चना सोरेंग को चुना गया। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्चना सोरेंग भारत के उड़ीसा राज्य में राज्य की है। UN यूनाइटेड स्टेट जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये प्रोफेसर अशोक साहनी को किया। इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार भूमर्ग विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। प्रोफेसर अशोक साहनी भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500वां टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए? तो ये स्टुअर्टस ब्रांड है। स्टुअर्टस ब्रांड इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के नाम, पहले खिलाड़ी
मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के, 800 विकेट। दूसरे खिलाड़ी शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं जो 708 विकेट लिए। तीसरे खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं भारत के, जिस 619 विकेट लिए। चौथे खिलाड़ी जेम्स एडरसन हैं जो इंग्लैंड के, उन्होंने 589 विकेट लिए। पांचवें खिलाड़ी ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के हैं जो 563 विकेट लिए। छठे खिलाड़ी कर्टनी वेल्स वेस्टइंडीज के, जिसने 519 विकेट लिए। सातवें खिलाड़ी स्टुअर्टस ब्रांड इंग्लैंड के हैं, जिसने 500 विकेट लिए। आईसीसी क्या है? विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना इसकी 15 जून 1909 में हुई। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है। सीईओ हैं मनु सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन दो राज्यों को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों को चुना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य किसानों की फसलों का प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत लाखों किसानों की मक्खी मक्की और धान की फसलों पर बीमा कवर मिलेगा। भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस 2008 में इसकी स्थापना में, मुख्यालय इसका मुंबई है। सीईओ है राजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी से जून 2020 की नीति आयोग द्वारा रैंक के लिए किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये बीजापुर जिला शीर्ष पर रहा। बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। टॉप 3 जिले, पहले स्थान पर बीजापुर छत्तीसगढ़ का जिला है, दूसरे स्थान पर मेघालय का रिघोई जिला, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीसी ने किस मसाला कंपनी के अधिग्रहण किया है? तो ये सनराइज फ्रूट्स कंपनी के किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट, आईटीसी क्या है? कंपनी भारत की एक FMCG कंपनी है। आईटीसी की स्थापना 24 अगस्त 1910 में हुई। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल। चेयरमैन इसके हैं संजीव पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड सीईओ लुत्फुल्ला स्टेनी के जाई को सस्पेंड किया गया है? तो ये अफगानिस्तान के हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी काबुल है। करेंसी इसकी अफगानी है। राष्ट्रपति इसके अशरफ गनी अहमद दजाई हैं। तो आइए थे आज के क्वेश्चन, आज के रिवीजन देख लेते हैं। 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस पे आई? तो ये अम्बाला एयरबेस पे आई। किसने टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने की। किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये रूस ने किया। UBA IIT दिल्ली और बिजना भारती के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये CSIR ने किए हैं। ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये अनिल कुमार झा किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज पर UN के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो ये अर्चना सोरेन को चुना गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया? ये प्रोफेसर अशोक साहनी को किया है। 500वां टेस्ट विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज बन गए हैं, कौन से बन गए? तो ये स्टार्टर्स ब्रांड बन गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किन दो राज्यों के को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को चुना है। फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए जिले की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये जिला कौन सी? बीजापुर जिला रहा। आईटीसी किस मामले कंपनी अधिकार किया है? तो ये सनराइज फूड्स की कंपनी किया है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड सीईओ लुत्फुल्ला स्टैन कजाई को सस्पेंड किया? ये अफगानिस्तान के हैं। तो ये आज का रिवीजन था। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।